आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे ही अपने जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है उसको कैसे आप बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा जो लिमिट था 50,000 रुपये का था और मुझे यहाँ पे ऑफ़र फिर दोबारा आ चुका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 1,50,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मुझे फिर ऑफ़र मिल चुका है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके लिमिट को कैसे बढ़ाएंगे। और मैं आपको दो तरीका भी बताऊंगा कि मैंने क्या किया कि मुझे बार बार ऑफ़र आ रहा है क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाने के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो अगर आपको समझ में आएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को पहले बढ़ाएंगे, फिर मैं आपको दो तरीका बताऊंगा कि मैंने क्या किया है कि मेरे को यह ऑफ़र मिला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको HDFC बैंक का जो नेट बैंकिंग है उसको लॉगिन कर लेना है, यानी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे कार्ड सेक्शन में चले जाइएगा। कार्ड सेक्शन में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आता है, यहीं पे आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लेना है। रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा जो लिमिट है यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इनहेंसमेंट का ऑप्शन है। ऐसे क्या करना है, आपको अपना कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कार्ड नंबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट इनहेंसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो मेरा करेंट अभी जो लिमिट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 50,000 रुपये है। यहाँ पे जो मेरे को एलिबिलिटी लिमिट मिला हुआ है यानी 1,50,000 रुपये मिल चुका है। बढ़ा करके दिखाऊंगा कि मेरा जो करेंट लिमिट है वो 50,000 है, मुझे 1,00,000 रुपये का ऑफर आ गया, यानी टोटल मेरा 1,50,000 लिमिट इनहेंसमेंट करने का ऑप्शन आ गया, यानी इंक्रीज करने का ऑप्शन आ गया। ये ऑफर आपको भी मिल सकता है, मैं आपको 2-3 तरीका बताऊंगा जिसको आप यूज करेंगे तो इजिली आपको यह ऑफर मिलेगा। मैंने क्या ट्रिक यूज किया जिससे मुझे बार बार ऑफर आ रहा है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको दो तरीका भी बताऊंगा कि क्या आपको करना है क्रेडिट लिमिट इंक्रीज करने का ऑफर आए। पहले यहाँ पे क्या करना है, जो आपका नया वाला है यहाँ पे आपको मैं डाल देता हूँ, यानी 1,50,000 रुपये मैं डालूंगा। यहाँ पे मैंने 1,50,000 रुपये डाला, 1,50,000 रुपये डालना है, यानी 50 है मेरा करेंट लिमिट है। यहाँ पे एलिबिलिटी लिमिट यानी नया लिमिट मुझे 1,50,000 रुपये का मिला है, तो नया जितना आप लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे पूरा ही बढ़ाना है, तो पूरा अमाउंट डालूंगा 1,50,000 रुपये। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और एक बार आपको कंफर्म करने के लिए कहेगा तो कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका कंग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड रिक्वेस्ट, यानी आपका जो रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इजिली आपने अपने कार्ड के लिमिट को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अब मैं आपको कार्ड का लिमिट दिखा देता हूँ, यहाँ पे विवरण दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा देखिए जो लिमिट हो चुका है, यहाँ पे डेली लिमिट यहाँ पे 1,50,000 रुपये का हो चुका है, यानी मेरा जो लिमिट था पहले 50,000 का था, अब मैं यहाँ पे आपको इसलिए 1,00,000 रुपये बढ़ा करके दिखा दिया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, HDFC बैंक के आप क्रेडिट कार्ड को लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए मैं दो तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे मुझे बार बार ऑफर आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने दो काम किया है इस क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, आप जब भी क्रेडिट कार्ड लीजिए तो क्रेडिट कार्ड को एक बिल जनरेट करना है, यानी हर महीने आपको कुछ ना कुछ शॉपिंग करना है, यानी 30% आप यूटिलाइज पर हर महीने करिए। यानी ऐसा नहीं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया तो आप उस क्रेडिट कार्ड को ले करके रख देंगे तो बैंक कभी भी आपको ऑफर नहीं देगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ाइए। जब उसको यूटिलाइज करेंगे, जब इसको यूज करेंगे तभी आपको बैंक ऑफर देगा, तो इसलिए आप बढ़ा सकते हैं। यह मैंने लगातार किया हुआ, यानी हर महीने मैं कुछ ना कुछ परचेजिंग करता था, यानी हर महीने मैं बिल जनरेट करता था और उसका टाइमली पेमेंट करता था, तो यह मुझे ऑफ़र मिला है। और आप जब कार्ड लीजिए, दूसरा तरीका आपको यूज़ करना है कि जब भी आप कार्ड लीजिए तो उसको टाइमली पेमेंट करना है, यानी जब भी आपका ड्यू डेट होगा तो ड्यू डेट से 2 दिन पहले ही आप उसको टाइमली पेमेंट कर दीजिए। अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे तो बैंक के नज़र में क्या रहेंगे, आप एक अच्छे कस्टमर माने जाएंगे, तो आपको क्या करेगा, बैंक आपको ऑफर्स देगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को बढ़ा लीजिए। तो यह दो तरीका आपको फॉलो करना है कि आपको एक बिल जनरेट करना है और आप बिल जनरेट करने के बाद उसको टाइमली भुगतान करना है। यह दो काम करिए, मैंने भी यही दो काम किया है, इजली मुझे ऑफ़र मिलता जाता है, हर कार्ड पे मुझे ऑफ़र मिलता है और मैं अपने कार्ड के लिमिट को इनक्रीज कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप यह इसको फॉलो करके अपने क्रेडिट कार्ड के लिमिट को इंक्रीज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।